मेरे बाजू खड़े रहे कि इम्तियाज साहब बोले बात करें सर, अब क्या है सर, आपकी राय बताइए सर। राय क्या है भाई, मेरे पार्टी के नहीं, आपको क्यों बुलाया नहीं है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा इनका कहना है क्या? आपको नहीं मालूम, आप उनसे पूछो। आपको अपेक्षा ही थी उन्होंने बुलाने की? मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाए या बुलाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। और जो इम्तियाज साहब जो बात रखी है बात सीरियस है ना, आपका और महागठबंधन का एक ही मंशा है मोदी गवर्नमेंट को हराना, तो आप क्यों नहीं जाके रुझू हो सकते? क्यों नहीं जाके आप जाके क्यों रुझू नहीं हो सकते? ये लोगों से दोनों का मंशा तो एक ही है ना, मकसद एक ही है, खुद होके क्यों नहीं जा सकते? अब ये बताइए, प्यासा कुएं का नहीं आता या कुआं पानी प्यासे का बताता है? क्योंकि सभी तो पैसे ही है ना सत्ता के, प्यासा कौन कुआं कौन? सबसे ज्यादा जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा अगर किसी को मार्जिनलाइज किया गया, एलिनेट किया गया, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसी से हुआ, तो वो दलित, आदिवासी और दूसरे समाज को किया गया। तो आप इसको भी तो देखो, आप आज सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग होती है, सबसे ज्यादा अगर किसी के घर तोड़े जाते हैं, झूठे इल्जाम में किसी को उठा दिया जाता है, तो कौन है? वो समाज के लोग हैं। अगर एक आपको बीजेपी को हराने का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, क्या है वो, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? सवाल मेरा नहीं है ना, सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, सवाल ये है कि आप इन चीजों पर गौर करो। सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय है बीजेपी को हराने के लिए, आपका क्या है इसलिए ऊपर बना हुआ? जो 21 साल से नहीं हरा है वो यहाँ हरा दिए ना औरंगाबाद जनता ने, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आपको? कुछ दिन पहले प्रकाश अम्बेडकर जी औरंगजेब के कब्र पर जाकर क्या किया है, उसके बाद में बहुत पूरा महाराष्ट्र में राजनीति। एक बात सुनिए, मैं बाड़ा साहब की बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा। गए हैं अब उसका और सब्सटेंशिएशन बाड़ा साहब खुद कर सकते हो, वो खुद कर सकते हो, काबिल है अपनी बात रखने के। पिछले कुछ दिन से महाराष्ट्र में इसी मुद्दे पर लेकर राजनीति चल रही है, कोल्हापुर या संगमनेर इस जगह जो घटना घटी है, अभी ये मुद्दा सामने इलेक्शन के सामने ज्यादा आने वाला है, आ रहा है। हमारा बोलना ये है कि आप जो है जैसा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का शेड्यूल है, उस शेड्यूल में 44 ऑर्गेनाइजेशन बैन है, तो हम इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया आप सत्ता में हैं, आप लोग फोटोज को भी एक लिस्ट बना दो, ये फोटो जो रखेगा उसको जेल में भेजा देंगे यूएपीए में, फोटो की लिस्ट बना दो आप, अच्छा रहता ना, ये फोटो नहीं रखना चाहिए, वोट से की रख सकते, आपके के रख सकते, मर इनकी नहीं रख सकते या इनके रख सकते, आप एक फोटो की लिस्ट बना दो, अच्छा है ना, लिस्ट बना दो, उसको बोलो जो एक फोटो रखेगा उसको हम यूएपीए में डाल देंगे, क्या बोल सकते? कुछ प्लान है ऐसा लग रहा है देखा? ये सब चल रहा है तो इलेक्शन के सामने हमारा मानना यह है कि सब तमाम चीजें जो हो रही है, हम महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट से और महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी से अपील कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बिगड़ने से बचाइए। पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएंगे चले जाएंगे, मगर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए। जो डेलिबरेट तरीके से इस तरह से हरकतें की जा रही हैं, ठीक नहीं है महाराष्ट्र के लिए। अगर तुम्हारे मित्र केसीआर बीआरएस में आने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी और कुछ बड़े नेताओं को ऑफर कर रहे हैं, अभी नाम आया है कि पंकजा मुंडे जो बीजेपी सीनियर लीडर है, उनको भी आइए, हम आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, ऐसे ही ऑफर है। पंकजा मुंडे को तो 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे, 2 साल पहले बोले थे उनको, वो समझ रहे नहीं उन्होंने, 2 साल पहले इम्तियाज साहब जो है, अब बाज लोग जो है हवा को सूंघ के बोलते बारिश हो रही, इम्तियाज साहब पहले ही बोलते देखो ऐसा होने वाला है, 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे उनको, आपको कैरी कर रहे थे ना उसको, वो उनको सोचना चाहिए। अब कोई भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। आप भी बुलाएंगे सीएम के उम्मीदवार बोलते उनका नाम जिनको पंकज यादव? अरे भाई 2 साल पहले इम्तियाज साहब उनको बोल चुके हैं ना, 2 साल से इम्तियाज साहब उनको बोल रहे हैं,
कि समझो बात को, मिले भी ना आप उनसे एक बार दबा, मिलके भी बात किए। अच्छा, मिलने के बाद कुछ क्या बोले? वो डिटेल ये बोले जो हज के लिए गए हैं उन्हें काफी सारी परेशानी हो रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत इसे नजरअंदाज कर रही है। बिल्कुल, हज कमेटी के इंतजाम बहुत बदतरीन हुए हैं, हज कमेटी के इंतजाम सबसे खराब हुए हैं, और ऐसा कभी माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हाजी जाकर परेशान है और हाजी की लिफ्ट जिस होटल में या जिस बिल्डिंग में खड़ा गया लिफ्ट गिर जाती है और दूर दूर खड़ा कर दिया गया। ये बात सबको मालूम कि जितने हाजी भारत से जाते हैं उससे ज्यादा ज़ईफ़ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको आप दूर दूर खड़ा कर दिए। और ये जो अगर कोई औरंगाबाद से जाएगा या कोई दूसरे शहर से जाएगा तो उससे आप 70,000-80,000 बढ़ के ले रहे, किस बात के ले रहे आप, क्यों ले रहे आप? आप तो बड़ा बात करें कि वो हम पैसे कम, कहाँ पैसे कम कर दिए आप, तो पैसे इजाफा कर दिए उसमें। और जो जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उनको कोर्ट को जाना पड़ा, कोर्ट को जाकर जा रहे हैं वो लोग। तो इस साल बहुत ही गलत इंतजाम हुआ। हम तो इस मोदी सरकार से अपील करते हैं कि इसका जायजा लें, ये क्यों हुआ, ये हज का इंतजाम इतना खराब क्यों हुआ, बदलता प्रोब होनी चाहिए इसके ऊपर। बीआरएस, अभी आपने सवाल है, बीआरएस और आपका भी पक्ष दोनों का भी मतलब बाहर से ही है, मतलब दोनों भी महाराष्ट्र के बाहर का पक्ष है दोनों भी, एमआईएम और वो एमआईएम का यहाँ अच्छी तरह से एक खासदार और कुछ नगर सेवक भी है, दोनों का इकट्ठा आकर विधायक भी है। हाँ, तो दो विधायक में तो इकट्ठा आकर कुछ सोच है आपकी कि महाराष्ट्र में राजनीति का दोनों इकट्ठा एक साथ आकर कुछ आगे बढ़े? अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं। सर, अमरीका दौरे पर आप कभी बोलो देना, प्रधानमंत्री के अमरीका बोलो देना है, उस पर क्या कहना है? प्रधानमंत्री अमरीका गए, हम भी चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में और अच्छा और मजबूत हो, अच्छे हो, और भारत अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए H1 जो हमारे वीजा है स्टूडेंट का वो ज्यादा रुका हुआ है, वो जल्दी हल हो। और वहां पर जो प्रधानमंत्री है तो अमेरिका के एक एक्स प्रेसिडेंट ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ओबामा ने, कि भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है वो भारत के हित में नहीं है, इससे भारत को नुकसान होगा। तो ये वो बराक ओबामा है जिसको हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने वो फेमस सूट पहना था जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, अपने हाथों से चाय पिलाई, और वो खुद आज ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भारत के प्रधानमंत्री ने नौ साल में उनके प्रधानमंत्री के टेनर में पहली मर्तबा जैसा आज हम खड़े होकर आपके सवाल का जवाब दे रहे वैसा उन्होंने सवाल दिया, वरना उन्होंने अक्सर क्या करते, अपने पसंद के एंकर्स को बुला के इंटरव्यू दे देते, तो कोई उनसे पूछता आपको आम खाए पसंद है क्या, कोई पूछता उनसे आपने बटवा है क्या, तो उस सवाल जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से। तो हम भारत के प्रधानमंत्री अभी तो फॉरन टूर पर है, वो मन नहीं उस पर तबसरा करना चाहिए, मगर मैं कर रहा हूं क्योंकि मणिपुर में 300 चर्चेज को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मणिपुर में पुलिस एकेडमी से 50,000 से ज्यादा एम्युनेशन गोलियां चोरी हो गई, 4,000 ज्यादा हथियार लूट के लेकर चले गए, वो डिस्क्रिमिनेशन है। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि CAA का कानून मोदी सरकार ने बनाया सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है? तीसरा डिस्क्रिमिनेशन की निशानी यह है कि आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया, हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अपना फेलोशिप कर पाएंगे ना PhD कर पाएंगे, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और गांव रक्षक जिसको चाहे पकड़ते हैं जिसको चाहे मार देते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये डिस्क्रिमिनेशन है यहां पर। ये सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका प्रयास ये बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मगर जमीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल सबसे बड़ी है कि BJP के पास 300 MP हैं, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें आपके सामने रख रहा हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप लोगों से खुल के बात करें ना,
ऐसा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर ले दिल्ली में, एक 50-60 जर्नलिस्ट को बुलाकर तुमको जो पूछना है पूछो प्यारे, दिल खोल के पूछो, मैं आज जवाब दूंगा। हाँ, विदेश में जाकर देते, यहाँ देने, भारत में देने से उनको इतना क्यों पीछे हट जाते हैं? जिस तरह सेंट्रल जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहना है? हो रही है जांच, क्या बोल सकते हैं, सब देख रहे हैं। सर 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 सर